नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर शहर में टीकाकरण की विशेष मुहिम शुरू, टीकाकरण का आंकड़ा पहुंचा 30 लाख के पार। घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए ऑटो चालक सहित 3 गिरफ्तार, 2,10,000 का माल किया गया जब्त। और कल्याण डोंबिवली में नाइजीरिया से आए 6 यात्री, सभी की गई आरटीपीसीआर टेस्ट। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर में टीकाकरण का 30 लाख डोज का आंकड़ा पार हो चुका है। सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लेने का आह्वान नागपुर मनपा आयुक्त ने किया है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नागपुर शहर में मनपा द्वारा टीकाकरण की विशेष मुहिम शुरू की गई है। शहर में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो, इसलिए मनपा द्वारा शुरू टीकाकरण को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। नागपुर शहर में कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण ने 30 लाख डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक शहर में 30,60,000 कोविड टीकाकरण का डोज पूरा हुआ है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर के विविध परिसर में 150 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था की गई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने टीका लेने का आह्वान मनपा आयुक्त ने किया है। नागपुर के जाफरनगर इलाके में घनी बस्ती के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर की चल रही कालाबाजारी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने एक ऑटो चालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2,10,000 का माल जब्त किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपराध शाखा पुलिस की यूनिट 2 को 30 नवंबर को गुप्त सूचना मिली कि गांधी लेआउट जाफरनगर स्थित घनी बस्ती में आरोपी शेख इरफान शेख यूसुफ, प्लॉट नंबर 54B, गांधी लेआउट जाफरनगर नागपुर, और अब्दुल आमिर अब्दुल मतीन, प्लॉट नंबर 60 रोज कॉलोनी श्याम लॉन के पास काटोल रोड नागपुर निवासी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हैं। ये दोनों आरोपी घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकालकर उसे सीएनजी गैस किट वाले वाहनों में भरते हैं। ये खुद के आर्थिक फायदे के लिए पूरी बस्ती की जान खतरे में डाल रहे हैं। यूनिट 2 ने मंगलवार को दोपहर में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान आरोपी शेख इरफान और अब्दुल आमिर, घरेलू गैस सिलेंडर की गैस ऑटो चालक पंकज गुलाबचंद सिरिया, गवलीपुरा सीमेंट रोड नागपुर निवासी के 3 पहिया ऑटो में पंप मशीन की मदद से भरते हुए मिले। पुलिस ने तीनों आरोपियों को धरदबोचा। आरोपियों से 3 नग गैस सिलेंडर, पंप मशीन, 3 पहिया ऑटो जब्त किया गया। आरोपियों पर गिट्टी खदान थाने में धारा 283, 285, 336, 34, सहधारा 3-7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराध शाखा पुलिस विभाग के अपर पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी, उपायुक्त चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। ऑटो मध्ये हा गॅस भरताना याला आम्ही रंगात पकडला। याच्या सिस्टीम मध्ये असं होतं की हा घराच्या कंपाऊंडवॉलला त्यांनी छिद्र पाडलेला होता, तिथून त्यांनी पाईप बाहेर टाकला होता। आतमध्ये हा मशीन आणि सिलेंडर लावायचा आणि बाहेर रोडवरती ऑटो किंवा जे फोर व्हीलर आहे ज्या ठिकाणी यांना गॅस भरायचा आहे ते उभे राहायचे। त्यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना कधी शंका येत नव्हती की इथं काय सुरू आहे, आणि त्या प्रकारे हा गॅस त्या ठिकाणी भरत होता। अशा अवैधरित्या गॅस भरताना आम्हाला मिळून आला, त्यावरून आम्ही याला मदत करणारा अब्दुल आमिर अब्दुल मतीन, एक ऑटो चालक पंकज सिरोया यास आम्ही रंगात पकडला आणि 2,10,000 मुद्देमाल यांच्याकडून जप्त केला। सध्या गुन्हा दाखल। कल्याण डोंबिवली में नाइजीरिया से 6 यात्री आए हैं, जिनकी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराई है। दक्षिण अफ्रीका से आए यात्री कोरोना पॉजिटिव होने का स्पष्ट होते ही सतर्क रहकर कल्याण डोंबिवली महापालिका के स्वास्थ्य विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय सफर कर आए नागरिकों की जांच मुहिम शुरू की है, जिसमें नाइजीरिया से आए 6 यात्री मिले हैं। सभी का आरटीपीसीआर सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही पॉजिटिव मरीजों के साथ आए 42 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग ने सरकार को भेजी है और सभी की आरटीपीसीआर की जा रही है। काल आम्हाला जो अहवाल प्राप्त झाला त्याच्यानुसार अजून 6 प्रवासी नायजेरियामधून आलेले आहेत, त्यांचं आरटीपीसीआर टेस्टिंग केलेलं आहे। आपण शासनाच्या गाईडलाईनमध्ये जे मागच्या 10 दिवसातले इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर्स आहे यांना सगळ्यांना ट्रेस करून आपण त्यांचं आरटीपीसीआर करतोच आहोत। आणि आपला जो आधीचा रुग्ण होता
याच्या फ्लाईटचे जे कॉन्टॅक्ट्स आहेत 42 जणांची यादी आम्ही शासनाला पाठवलेली आहे आणि त्यांचं पण कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग त्या त्या महान त्या ज्या एरियामध्ये ते राहतात त्या त्या महानगरपालिकेकडून चालू आहे. त्याच्यापैकी एक पॅसेंजर हा कल्याण डोंबिवलीतला रहिवासी आहे, त्याचं पण आम्ही आज RT-PCR टेस्टिंग करणार म्हणजे घेऊन ते पण आम्ही सॅम्पल पाठवणार आहोत. जलगाव में एक सेवानिवृत्त उपाधीक्षक ने अब तक HIV के साथ जिंदगी जी रहे 25 युगल की शादी रचाई. वहीं उन्होंने विश्व एड्स दिवस पर युगल का विवाह समारोह कानलदा में आयोजित किया है. उनके इस समाज कार्य की चारों ओर सराहना की जा रही है. जलगाव शहर से सटे कानलदा के सेवानिवृत्त उपाधीक्षक और सरपंच पुंडलिक सपकारे ने 2008 से अब तक 25 HIV के साथ जिंदगी जी रहे युवक युवतियों का विवाह करवाया. विश्व एड्स दिवस के अवसर पर उन्होंने 4 जोड़ों का विवाह समारोह कानलदा में आयोजित किया है. समाज के लिए कुछ करने की चाह रखने वाले कानलदा गांव के सरपंच और सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक पुंडलिक सपकाले ने 2008 से HIV से ग्रसित लोगों का सामूहिक विवाह समारोह करा रहे हैं. अब तक उन्होंने 25 युवक युवतियों का विवाह करवाया है और विश्व एड्स दिवस के अवसर पर 4 युवक युवतियों का विवाह किया जा रहा है. निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक आणि आत्ता सध्या कानळदा या गावचं सरपंच म्हणून मी काम करतो आहे. गेल्या 2008 पासून आज तागायत 26/11/2008 या दिवशी झालेल्या अतिरेकी हमल्यामध्ये झालेल्या शहीदांना आदरांजली म्हणून 26/11 नंतर बरोबर 5 दिवसांनी येणाऱ्या एड्स डेच्या निमित्ताने HIV सह जीवन जगणाऱ्या तरुण तरुणींना एकत्र घेऊन हा आजार त्यांच्यापुरता सीमित राहावा म्हणून मी त्यांचं लग्न लावून देण्याचं काम आणि त्यांना सोबत जीवन जगा असा संदेश देऊन हे काम निरंतर 2008 पासून आमचं आज तागात सुरू आहे. 25 विवाह आम्ही आतापर्यंत लावले. यावर्षी देखील 4 विवाह कानळदा येथे संपन्न होत आहेत. आमचा हेतू या आजाराचं प्रबोधन व्हावं, तरुणांना या आजाराबद्दलची भीती निघून जावी आणि जे जे लोक सह HIV सह जगतात त्यांना असं वाटावं की आमचंसुद्धा लग्न होऊ शकतं आणि तो आजार त्या दोघांपुरता सीमित राहावा हा त्यामागचा आमचा हेतू आहे. धन्यवाद. आज एड्स डेच्या निमित्ताने तरुणांसाठी एड्स अवेअरनेस कॅम्प, हा आजार कसा होतो या संदर्भातली माहिती आमच्याकडे जे किन्नर आहेत तसेच आधार सहजीवन संस्था आहे या वेगवेगळ्या संस्था तरुणांना हा आजार होऊ नये म्हणून प्रबोधन करतील. त्यानंतर रिक्षा चालक यांना आम्ही एकत्र केलेलं आहे, कारण असं लक्षात आलेलं आहे की हा आजार जास्त प्रमाणात वाहन चालकांना होतो की जे पब्लिक वाहन चालवतात, सार्वजनिक वाहन चालवतात आणि त्यामुळे त्यांच्यासाठीसुद्धा प्रबोधन करून हा आजार होऊ नये म्हणून काय काळजी घेतली पाहिजे या संदर्भातलं प्रबोधन आज दिवसभरात ठेवलेलं आहे. तसेच तरुणांसाठी हा या आजारासंदर्भातलं आणि तरुणांसाठी विशेषतः तरुणांसाठी हा आजार झालेल्या लोकांना कशा प्रकारचं जीवन जगतात त्यांचं प्रबोधन या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. सगे चाचा द्वारा अपनी भतीजी पर लैंगिक अत्याचार करने का मामला बुलढाणा में सामने आया. इस घटना के बाद पीड़िता 4 महीने की गर्भवती भी थी. मजदूरी करने वाली मां ने अपनी 16 वर्षीय बेटी को विश्वास के साथ अपने देवर के पास रखा, लेकिन चाचा ने ही बाप बेटी के रिश्ते जैसे चाचा भतीजी का रिश्ता शर्मसार कर दिया. भतीजी पर ही चाचा ने लैंगिक अत्याचार किया, जिस कारण पीड़िता 4 महीने की गर्भवती भी हुई. पीड़िता की मां के शिकायत पर बुलढाणा ग्रामीण पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है. बुलढाणा ग्रामीण पुलिस हड्डी मध्ये पीड़िती आई इने पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की माझी मुलगी इच्यावर आरोपी तिचे काका सतीश खंडारे याने बलात्कार करून वारंवार तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला, त्यामुळे ती 24 आठवड्याची गर्भवती राहिलेली आहे. अशा फिर्याद देऊन आम्ही सदरचा गुन्हा दाखल करून सदर आरोपीस अटक करून माननीय न्यायालयासमोर हजर केले असता माननीय न्यायालयाने त्याला 2 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड दिली आहे. सदर तपास हा माननीय SP साहेब बुलढाणा यांच्या आदेशाने
पोनी साहेब पोनी गिरीश ठाकूर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. सदर फिर्यादीनुसार आम्ही त्यामध्ये आय पी सी कलम 376(2)(j), 376(2)(f), 276(2)(n) व सहकलम पोस्को अंतर्गत कलम 3, 4, 5 पोट कलम लावलेले आहेत. त्यानुसार तपास सुरू आहे. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. WCL CMD नागपुर के विरोध में सुब्बई चिंचोली के प्रकल्पग्रस्त विभिन्न मांगों के लिए अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन पर बैठे हैं. आंदोलन का ये दूसरा दिन है. मंगलवार को सुबह 11 बजे CMD नागपुर WCL मुख्यालय के सामने सुब्बई चिंचोली रिकास्ट क्षेत्र बल्हारपुर के 205 प्रकल्पग्रस्तों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन शुरू किया. डॉक्टर सुरेश माने, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष BRSP तथा संविधान विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के चंद्रपुर व नागपुर के पदाधिकारी की उपस्थिति में 205 प्रकल्पग्रस्त ने WCL CMD नागपुर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया. 10 वर्ष से वेकोली प्रशासन ने सुब्बई चिंचोली राजुरा जिला चंद्रपुर के 205 किसानों की जमीन अधिग्रहित की, लेकिन 10 वर्षों से वेकोली के अन्याय विरोध में न्याय मांगने के लिए न्याय मिलने तक बेमुदत धरने आंदोलन उन्होंने नागपुर में धरना आंदोलन शुरू किया. सुरेखा शुभ सोमलकर, गांव चिंचोली, तालुका राजुरा, जिला चंद्रपुर. सर, आमची जमीन WCL वाल्यांनी घेतली आहे, तरी आम्हाला त्याचा मोबदला आणि आमच्या नोकऱ्या आम्हाला देतो म्हणून म्हणजे शाश्वती दिली आणि ती दिली नाही. आमची जमीन घेतली आणि आमचा मोबदला नाही, आम्हाला नोकरी दिली नाही. जोपर्यंत आमची जमिनीचा मोबदला आणि नोकरी देत नाही तोपर्यंत आम्ही हे धरणे आंदोलन बंद करणार नाही. एक वर्ष लागला तरी चालेल, पर आम्ही आमचं मागणे पूर्ण झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही. मी अरुण सोमलकर, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी म्हणून आमच्या समस्या अशा आहे की 10 वर्षापासून जे वेकुरी आमच्यावर आमच्या आम्हा शेतकऱ्यावर अन्याय करतात, त्याच्यामध्ये एक नाही पीडित म्हणलं तर 205 कुटुंब आहे, 205 नोकऱ्याच्या संदर्भात आम्ही 10 वर्षापासून की नाही ज्या आपल्या मागण्या निवेदनाच्या माध्यमातून हे करत आहे. मधात आम्ही की नाही मग त्या BRSP माध्यमातून गेल्या 5 महिन्यापासून आम्ही जो संघर्ष करत आहे, त्याच्यामध्ये चंद्रपुरात आम्ही अर्धनग्न आंदोलन केलं, धरणे आंदोलन केलं, बरेचसे असे अनेक आंदोलन झाले, पण त्याच्यामध्ये प्रशासन हे उदासीन आहे की काय त्यांच्या मनात नेमकं माहीत नाही की आमच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आमची मागणी एवढीच आहे, आमची जमीन ज्या जे काही 450 एकर चिंचोली रिकास्ट म्हणून ज्या नावाने हे केलेलं आहे, 450 एकरची जमीन ज्याच्या सेक्शन ज्या काही धारा लावलेल्या आहे त्या धारा लावल्यानंतर तुम्ही गप्प का, बाकीची पूर्व प्रोसेस करा. सेक्शन 14(1) लावून आहे ना, त्या शेतकऱ्याची करारनामे करा, 205 नोकऱ्या द्या आणि जमिनीचा मोबदला द्या. आमची एवढीच रास्त मागणी आहे. या मागणीसाठी आम्ही काल CMD कार्यालय इथं माननीय डॉक्टर सुरेश माने साहेब यांच्या मार्गदर्शनात आणि माननीय सुरेश भाऊ पाईगराव चंद्रपूर जिल्हा BRSP महासचिव यांच्या नेतृत्वात काल आम्ही एक शिष्टमंडळ CMD ऑफिस इथे बसलो होतो. त्यांनी 205 लोकांची जमीन गेलेली आहे. मंत्री निवेदनाच्या माध्यमातून आमचे सर्व संपर्क झालेले आहे, पण परस्पर नाही भेटलो आम्ही. भेटायची गरज असेल तर जाऊन भेटणार आहे आपण. अजून कोणी काही म्हणजे त्या विषयावर कोणी बोलायला तयार नाही. होणार आहे ते कास्ट प्लस आहे, काही कारण देऊन ते लोक टाळत आहे आजपर्यंत.
एक दिसंबर विश्व एड्स दिन के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जलगांव के जिलाधिकारी कार्यालय में एचआईवी संबंध में जानकारी देने वाले पोस्टर की प्रदर्शनी लगाई गई थी। जिला शासकीय अस्पताल व जिला एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में पोस्टर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान सेल्फी पॉइंट भी रखा गया था। 1988 पासून जागतिक एड्स दिन आपण साजरा करतोय। ज्यावेळेस जसा यावेळेस कोविड आला तसा त्यावेळेस एड्स हा आजार आला होता। खरं तर या आजाराचं नाव ह्युमन इम्युनोडिफिशियन्सी व्हायरस आहे। हा व्हायरस आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या मार्गाने प्रवेश करतो। जास्तीत जास्त असुरक्षित लैंगिक संबंध मातेपासून बाळाला एकच सुई दोन दोन तीन तीन लोकांमध्ये वापरत असतील जे ड्रग युजर्स आहेत अशा प्रकारचे जे लोक आहेत त्यांच्यापासून म्हणजे जेव्हा त्यांना एच आय व्ही होतो आणि त्यांचे बाहेर असुरक्षित असे कॉन्टॅक्ट होतात तेव्हा त्यांच्यापासून ह्याचा स्प्रेड होत असतो। सुरुवातीच्या काळामध्ये 4-5% समाजामध्ये पेशंट तयार झाले होते। आज आपण ह्याच्यामध्ये जी काही जनजागृती केलेली आहे आईईसी केलेली आहे गावोगाव फिरून वाड्या व्यवस्था फिरून रेड एरियामध्ये फिरून मग ते कंडोम वाटप असेल किंवा जे काही असुरक्षित होऊ नये म्हणून ज्या ज्या गोष्टी करणे आवश्यक आहे त्या केल्यामुळं आज आपला हा जो दर आहे 0.06% आलेला आहे। आणि अशा प्रकारे आपण जनजागृती अशीच जर ठेवली तर एक दिवस असा येईल की त्या दिवशी आपल्या भारतामध्ये या जगामध्ये एच आय व्हीचा एकही पेशंट नसेल। आज आपण बघतो आहोत की एच आय व्हीचा पेशंटसुद्धा नॉर्मल आयुष्य जगत आहे। याचं कारण म्हणजे एच आय व्हीवर असलेले औषधी। आता औषधी घेऊन आपल्याला एक आयुष्य लाभू शकते पण शेवटी कोणत्या ना कोणत्या आजाराला आपण या निमित्तानं बळी पडणार असतो। तर हे होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हे सगळ्यात बेस्ट असा उपचार आहे। आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे काही असुरक्षित संबंध येतात ते सुरक्षित ठेवा। एकतर एकनिष्ठ राहा एकपत्नीत्व राहा एकनिष्ठ राहा हे सगळ्यात खूप महत्त्वाचं आहे। जर एकनिष्ठ होण्यासारखं नसेल तर कंडोम वापरा जे काही निरोधनाचे साधनं आहेत ते वापरा। आणि त्यानंतर जे काही ड्रग युजर्स आहेत ती एकाच सुई म्हणते एकतर घेऊच नाही ड्रग यूज करणेच आहे। 3 दिन पहिले नंदनवन परिसर में वृद्ध महिला की हत्या कर दी थी। ये घटना पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई थी। खुद पुलिस आयुक्त इस घटना के पड़ताल पर नजर रखे हुए थे। आखिरकार नंदनवन पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस ने वृद्ध मृतक महिला देवकी जीवनदास बोबड़े के नाती मितेश संजय पंचभाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मितेश मृतक महिला देवकी बोबड़े की बेटी का ही पुत्र है। वह पढ़ाई के लिए अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी जाना चाहता था और उसने वहां एडमिशन भी ले लिया था, परंतु पढ़ाई के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। उसके माता पिता ने 40 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया था, लेकिन बाकी 60 लाख रुपए के लिए वह लोन लेने वाला था। हालांकि इतने बड़े लोन के लिए गारंटी के तौर पर FD लग रही थी, इसलिए उसने नानी देवकी से बात भी की थी। बताया गया कि थोड़ी नानुकर के बाद देवकी अपनी FD देने के लिए मान भी गई थी। देवकी थोड़ा सख्त मिजाज की महिला थी और अक्सर गलत कामों के लिए टोकती रहती थी, इसलिए मितेश की अपनी ही नानी के साथ नहीं पटती थी। पुलिस को उसके मोबाइल फोन में उसकी महिला मित्र के साथ की हुई चैट बरामद हुई है। घटना वाले दिन मितेश की माँ ने सुबह 10 बजे घर की टंकी में पानी नहीं होने के चलते उसे नीचे जाकर पानी की मोटर शुरू करने के लिए भेजा था। तब मितेश लोअर पर ही बिना शर्ट पहने नीचे आ गया था। उसे ऐसा देखकर देवकी ने उसे डांट दी। इस बात पर गुस्से में आकर मितेश ने देवकी को जोर से धक्का दे दिया और अंदर से टेप पट्टी और चाकू ले आया। उसने पहले देवकी के हाथ बांधे और उसके बाद मुंह पर पट्टी चिपकाकर बड़ी ही निर्ममता से चाकू से उनकी हत्या कर दी। एक जो सीनियर सिटीजन महिला का मर्डर कुछ दिन पहले हुआ था उसको पुलिस ने डिटेक्ट किया है। उसमें एक फैमिली मेंबर को ही पुलिस ने कल रात अरेस्ट किया है और एविडेंस काफ़ी कुछ मिला है और अभी तपास प्राथमिक स्टेज पे है। आज एक्यूज्ड को हम कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले रिमांड के लिए आगे तपास शुरू है। फुड़केश्वर पुलिस थाने के अंतर्गत लाड़ीकर लेआउट में दहेज के तौर पर बहू से मायके से 5 लाख रुपए लाने की मांग की गई। परिजनों ने मांग पूरी नहीं करने पर उसका गला घोंटने का प्रयास किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने ससुराल में रह रही रोशनी ने बताया कि यह उसका और उसके पति महेश का दूसरा विवाह है। परिवार वालों ने पूरी रीति रिवाजों से 3 अगस्त 2021 को शादी करवाई थी, लेकिन शादी की पहली ही रात उसे पता चला कि महेश शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है। शादी से पहले यह बात न बताने को लेकर रोशनी अपने पति और ससुराल वालों से नाराज थी। रोशनी ने पुलिस को बताया कि नाराजगी जताने पर महेश ने उसे 10 दिनों में इलाज करवाने का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। ऐसे में रोशनी ने यह बात अपने भाई और भाभी को बताई, जहां से यह महेश के बहनोई तक पहुंच गई। इससे रोशनी के ससुराल वाले नाराज हो गए और घर की बदनामी का आरोप लगाते हुए उसे परेशान करने लगे। इस बीच 27 नवंबर की रात को उसे गला घोटने का प्रयास किया गया। पुलिस से पति महेश प्रकाश गुरमुले, ससुर प्रकाश गणपतराव गुरमुले और सास लीला प्रकाश गुरमुले के खिलाफ दहेज कानून समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।